हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीना ब्यूटी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप आपके नेल को कैसे ग्रोथ कर सकते हो। जिनके नेल बढ़ते नहीं है और जिनके बिल्कुल भी नेल ग्रोथ नहीं करते, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ यार, वीडियो को पूरी देख लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, पर जिनके बिल्कुल भी नेल ग्रोथ नहीं होते ना, उनके लिए मैं यहाँ पर प्रोसेस बता रही हूँ। तो उनमें हमें दो स्टेप करना है। तो यहाँ पर मैंने हॉट वाटर लिया है। कोई भी बाउल में आप पहले गुनगुना पानी ले लो, उसके बाद उसके अंदर आपको डालना है नमक मतलब सॉल्ट, और उसके बाद कोई भी लिक्विड जो आपके पास शैम्पू है, कोई लिक्विड आप जो शैम्पू यूज़ करते हो, या कुछ भी बेबी शैम्पू है, बेबी वॉश है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डेटॉल का लिया है, जिससे हमारी क्लीनिंग, और अब भी डेटॉल की बहुत ही ज़रूरत है, कोरोना है तो आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डेटॉल का लिक्विड लिया है, जो हैंड वॉश के लिए आता है वो। तो उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपके हाथ को डिप करके रखना है। सीरियसली मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैं मेरे नेल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती, मेरे नेल ऐसे ही ग्रोथ करते हैं। 15 दिन में मेरे नेल जो अभी है ना, उतने हो जाते हैं मैं काट देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जिनके बिल्कुल भी नेल ग्रोथ नहीं करते ना, उनके लिए है ये प्रोसेस करोगे तो आपके जो नेल येल्लो हो जाते हैं, मतलब पीले पीले हो जाते हैं किसी के नेल, वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक ब्रश लेकर क्या कर रही हूँ, इसमें हैंड को डीप करूँगी। उसके बाद जो ब्रश मैंने, जो हमारा पुराना ब्रश हो ना, वो लेकर आपको क्लीनिंग करनी है। जो अंदर की तरफ बहुत डर्ट हो जाता है ना, उसका आपको क्लीनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि वो डर्ट फिर आपकी चमड़ी के अंदर जाता है और उससे आपके नेल ख़राब हो सकते हैं और टूट भी सकते हैं। तो आप वो प्लीज़ ध्यान रखना है। तो अच्छे से क्लीनिंग करिए। मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैं मेरे नेल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती, मेरे नेल ऐसे ही ग्रोथ करते हैं, क्योंकि मैं खाना अच्छा खाती हूँ, कैल्शियम वाला खाती हूँ। तो आप वो भी कर सकते हो। और आपके नेल पर हमेशा नेल पॉलिश अप्लाई करके रखो, ताकि उससे आपके नेल टूटेंगे नहीं और लंबे भी होंगे। टूटेंगे नहीं तो वो ग्रोथ तो होने ही वाले हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर ली है, देखो मेरे जो नेल है ना, वो अंदर से एकदम क्लीन हो गए। हाँ, मैं मेरे नेल को क्लीन करती हूँ, पर वो जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, तभी कर देती हूँ वही ब्रश से। वैसे मैं अलग से कोई ऐसा लेकर नहीं बैठती हूँ, पर ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल भी नेल ग्रोथ नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पर देखो, मैंने अब हम दूसरा स्टेप जो करेंगे वो हम बनाएंगे सीरम। तो यहाँ पर मैंने लिया है वैसलीन और एक बाउल लिया है कांच का, आप कोई भी बाउल ले सकते हो, उसमें डालूंगी वैसलीन। ये बहुत ही सर्च करने के बाद मुझे मिला है। तो इससे वैसलीन से है ना, आपके नेल एकदम स्मूथ हो जाते हैं, और जो आपकी चमड़ी होती है ना नेल के आसपास, वो एकदम स्मूथ हो जाती है। उससे क्या होगा कि आपके नेल एकदम स्मूथ होने के बाद वो ग्रोथ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। तो आपको पता ही है कि कस्टर्ड ऑयल हमारे हेयर के लिए, नेल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑयली स्किन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं कभी कभी सिर्फ 2 बूंद लेकर मेरे फेस पर भी अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर विटामिन ई की कैप्सूल डाल रही हूँ। विटामिन ई हमारे हेयर और नेल के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे हमारी पूरी बॉडी के लिए विटामिन ई बहुत ही अच्छा है, पर हेयर और स्पेशली नेल के लिए विटामिन ई ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं तीनों जो चीज़ मैंने डाली है उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये एक हमारा सीरम तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सीरम है। आप प्लीज़ इसे है ना, सिर्फ आपकी बिल्कुल भी नेल ग्रोथ नहीं होती ना, तो इसे सिर्फ आप 1 वीक तक यूज़ करो, आपके नेल ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 1 वीक में आपके पूरे नेल मेरे जैसे हो जाएंगे ऐसे लंबे लंबे, पर आपकी ग्रोथ होगी, जो बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना वो ग्रोथ होगी। उसके बाद वही सीरम को आपको है ना अच्छे से आपके नेल पर अप्लाई करना है, और 10 मिनट तक इसे आप 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी सी मसाज दो उसको हल्के हाथों से, और फिर फुल नाइट आपको ऐसे ही रख के सो जाना है। क्लीनिंग आपको रात को ही करनी है। रात को आप जब कुछ भी आपकी बॉडी पर, नेल पर, हेयर पर, स्किन पर अप्लाई करते हो ना, तो आपकी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स मोड में हो जाती है, और वहाँ पर आपका जो भी मतलब ट्राई करते हो आपकी बॉडी पर कुछ भी अप्लाई करते हो, तो वो डबल इफ़ेक्ट देता है। जो हमारी बॉडी, नेल, जो भी हम अप्लाई करते हैं उसको डबल इफ़ेक्ट देता है, कोई भी DIY या कोई भी क्रीम ट्राई करो तो।
तो रात को जब आप अप्लाई करके सोओगे तो आपको 1 वीक में इसका रिजल्ट मिलेगा। 1 वीक तक आपको रेगुलर अप्लाई करना है और इस सीरम को आप एक कंटेनर में भरकर स्टोर भी कर सकते हो 1 वीक के लिए। ओके, तो आप यही फॉलो करोगे 1 वीक तक तो आपकी नेल ग्रोथ हो जाएगी और 1 महीने में आपको मेरे नेल्स जैसे खूबसूरत नेल मिल जाएंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लव यू ऑल, बाय। प्लीज़ ध्यान रखना, स्टे होम, स्टे सेफ़।